नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपका भी इंटरेस्ट है होम्योपैथी और फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर, और आप भी भविष्य में चाहते हैं कि मैं आप लोगों की समस्या को लाइव क्लिनिक और लाइव सेशन के द्वारा हल करूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो वीडियो है वो है रिलेशनशिप ऑफ द मेडिसिन के बारे में। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या टॉपिक है ना, ये क्या टॉपिक है, बोले रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन हर कोई जानता है। जो होम्योपैथी की फील्ड में अगर कोई बच्चा भी पढ़ रहा है तो वो जानता है कि क्या होता है रिलेशनशिप ऑफ द मेडिसिन, कि दो दवाओं के बीच का परस्पर संबंध क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जानता तो हर कोई है पर उसको फॉलो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं, ज्यादातर प्रैक्टिशनर फॉलो नहीं करते, है ना। और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप दो दवाओं के बीच में होते हैं, दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, पहला होता है इनकॉम्पिटिबल या इनिमिकल का, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का। इन दोनों को हमको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और इसको हमको अपनी प्रिस्क्राइबिंग के टाइम पे कंसिडरेशन करना चाहिए। मेरे कई जूनियर्स और सबॉर्डिनेट जो मेरे से जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो कई बार कुछ मेरे से केसेस डिस्कस करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुमने क्या दिया उसको। तो एक बच्ची बोली, एक मतलब छोटी कम उम्र की डॉक्टर जिसको, जो मेरे पास आई अपनी एक प्रॉब्लम को लेके, उसने मेरे से बोला कि सर मैंने जो एक क्लाइमेक्टेरिक पीरियड में मेरी एक पेशेंट को 45-46 ईयर्स एज की, उसको मैं प्रिस्क्राइब कर रही थी और मैंने जो मेडिसिन दी, बट द मेडिसिंस आर नॉट ओरिएंटिंग दैट गुड रिजल्ट, इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं वो एग्रेवेट हो रहे हैं सिम्टम, बहुत बिजार चीज़ें हो रही हैं केस में, उल्टा सुलटा हुआ पड़ा है। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुमने मेडिसिन कौन सी दी? तो शी टोल्ड मी कि दैट शी गेव हर लेकेसिस 200 एंड सीपीए 30 साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम। और क्योंकि मेरे को कुछ मेडिसिन का रिलेशनशिप प्रैक्टिस करते करते मेरे दिमाग में आ गया और याद रह जाता है, तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये तो आप एनिमिकल रिलेशनशिप वाली मेडिसिन दे रहे हो, और इसलिए दोनों एक दूसरे को किस तरह से वो एक काम कर रही है बॉडी के अंदर, उसका कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, और इसी के कारण केस के अंदर बिजार, मतलब बहुत ही ज़्यादा रैंडम और हैपजार्ड चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी प्रिस्क्राइबिंग के टाइम पे हमको जो रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि वॉट कुड बी द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट, जो अगर आज मैं दे रहा हूँ। कहने का मतलब, अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें बताना चाहूँगा कि कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। देखिए, एक तो फॉलो वेल होता है, फॉलो वेल मतलब हाँ, उस मेडिसिन के बाद अगर किसी मेडिसिन में फॉलो वेल की एक लिस्ट है, मतलब वो जो अगली मेडिसिन जो फॉलो वेल में लिखी हैं, वो मैं इस मेडिसिन के साथ जो है उसको अच्छे से फॉलो अप में दे सकता हूँ पेशेंट को। एक ये रिलेशनशिप है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री, कि जो इस मेडिसिन के गुड इफेक्ट को आगे प्रोसीड करे और आगे प्रपोगेट करे, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ द मेडिसिन। ये प्रिस्क्राइबिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक होता है एंटीडोट, कि अगर गलती से कई प्रैक्टिशनर ये चीज करते हैं कि उनने एक मेडिसिन दी और अगले प्रिस्क्रिप्शन में दे प्रिस्क्राइब्ड एक ऐसी मेडिसिन उनने दे दी कि जो एंटीडोट था, तो पता चला पिछली मेडिसिन के गुड इफेक्ट को उसने एंटीडोट करके नलीफाई कर दिया। तो एक थर्ड रिलेशनशिप हो गया एंटीडोट, फोर्थ रिलेशनशिप हो गया इनिमिकल का, कि दो मेडिसिन जो हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे नहीं दे सकते हम, उसके बीच में हमको कुछ एक मेडिसिन से उसके रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो एनिमिकल रिलेशनशिप माना जाता है। और उसी की तरह से एक और जो है वो है इनकॉम्पिटिबल। इनकॉम्पिटिबल मतलब कोई दो ऐसी मेडिसिन आपको मिलेंगी, जैसे सीपी और लेकेसिस, इनको इनकॉम्पिटिबल बताया गया है कि ये इनकॉम्पिटिबल है, इनको आगे पीछे आप नहीं दे सकते। सल्फर और लाइकोपोडियम के लिए भी यही रिलेशन है कि सल्फर के तुरंत बाद लाइकोपोडियम नहीं देनी चाहिए, है ना। अब उससे देखिए होता क्या है या क्या नहीं होता है, ये तो हम एग्जैक्टली नहीं जानते, क्योंकि वो डाटा हमारे पास नहीं है, बस वो हमको सिर्फ रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन के अंदर लिखा हुआ है। तो अब रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री वन। अब मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेटिंग की मेडिसिन आपको बताता हूँ, जैसे कि चाइना है, चाइना का कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया है कार्बोवेज, उसी तरह से कार्बोवेज का कॉम्प्लीमेंट्री है चाइना। तो व्हेनेवर वी वर ट्रीटिंग एनी पेशेंट विद द गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट या फ्लेचुलेंस का, तो चाइना देने के बाद
और जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है ये सिर्फ एक एस्पेक्ट में ही होता है, आप ये चीज समझिए। जैसे चाइना का एक कॉम्प्लीमेंट्री कार्बोवेज है, वही चाइना का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो फेरम मेटेलिकम है। तो फेरम मेटेलिकम फ्लेचुलेंस के केस में चाइना को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, चाइना के वर्क को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो कार्बोवेज बढ़ाएगा। तो फेरम मेटेलिकम कहाँ पे ऐसे कॉम्प्लीमेंट यूज होगा कि हम जनरली चाइना का यूज एनीमिया में भी करते हैं, कि जो एनेमिक पेशेंट होता है, कैचेक्टिक, दुबला पतला, जिसमें खून की कमी है ना, जो हिपेटिक गैस्ट्रो हिपेटिक डिस्टर्बेंसेस से ग्रस्त है, तो उसके अंदर व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज हिज हीमोग्लोबिन का इलाज, हम एचबी परसेंट बढ़ाने का जब कोशिश करते हैं, तो चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंटलाइन मेडिसिन है। तो जब हम उस केस को डील कर रहे होंगे, उसी केस के अंदर फेरम मेटेलिकम चाइना का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिना और ब्राइनिया का, कि ब्राइनिया एल्यूमिना को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसी तरह से एल्यूमिना के बाद अगर हम ब्राइनिया देते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ये हम दोनों मेडिसिन में जनरली ये स्फीयर किस स्फीयर में कॉम्प्लीमेंट करेंगे भाई? कॉन्स्टिपेशन में। हम सब जानते हैं कि ब्राइनिया को कैसा कॉन्स्टिपेशन होता है कि इस पेशेंट डू नॉट हैव एनी डिजायर टू गो टू स्टूल, प्रेशर ही नहीं बनता। और वही कुछ ऐसे ही लक्षण बताए गए हैं एल्यूमिना के अंदर भी, पर दोनों के अंदर कारण अलग है। एल्यूमिना के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है दैट इज ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि नर्व टोन कम हो जाने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होता है और पेशेंट सॉफ्ट स्टूल भी डिफिकल्टी के साथ इवेकुएट कर पाता है। वहीं ब्राइनिया में कॉन्स्टिपेशन क्या है कि यहाँ पे भी है तो डिजायर अब्सेंट, पर यहाँ पे ड्राइनेस बताया गया है, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेस्टाइन के कारण ये दोनों, पर दोनों में लक्षण सेम है कि भैया दे बोथ डू नॉट हैव द डिजायर टू गो टू स्टूल, इनको प्रेशर नहीं बनता। तो यहीं पे अगर देखें तो ब्राइनिया इसी केस में कॉन्स्टिपेशन के केस में एल्यूमिना को कॉम्प्लीमेंट करेगी और एल्यूमिना जो है वो ब्राइनिया को कॉम्प्लीमेंट करेगी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं रस्टॉक्स और कल्केरिया कार्ब को, दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बनाया बताया गया है, और वहीं पे ही रस्टॉक्स इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्राइनिया एज वेल, मतलब रस्टॉक्स और ब्राइनिया एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है और यहाँ पे रस्टॉक्स और कल्केरिया कार्ब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या इसके अंदर भी कोई रिलेशनशिप होगा? बिल्कुल होगा। देखिए रस्टॉक्स जनरली हम रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज करते हैं, वहीं ब्राइनिया को भी हम रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मैंने रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब करी कि यार आपको तो जो है वो मोशन से एम्यूलोरेशन है, कहीं ना कहीं रेस्ट से एग्रीवेशन है, रेस्टलेसनेस फलाना ढिमका सब चीजें हमने बात कर ली, तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि यार अगले प्रिस्क्रिप्शन में मैं इनको दूंगा ब्राइनिया, क्योंकि ब्राइनिया भी रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर वन ऑफ द फ्रंट लाइन मेडिसिन है। पर हुआ क्या, मेरे ब्राइनिया देने के बाद वो पेशेंट ने उतना रिस्पॉन्ड करा नहीं। कहने का मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट्री तब डिप्लॉय करूंगा जब मुझे लगेगा कि ये जो मेडिसिन मैंने दी है ये पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने रस्टॉक्स दी उनको फायदा हुआ, फायदा बढ़ता गया रस्टॉक्स रिपीट करते गए, फायदा बढ़ता गया रस्टॉक्स रिपीट करते गए। बट जब केस स्टैंड स्टिल हो जाएगा, मतलब रुक गया वो वहां पे आके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको ब्राइनिया दूंगा। क्योंकि टेक्निकली अगर आप रूमेटिज्म की बात करें तो कल्केरिया कार्ब तो बहुत हायर मेडिसिन है, मतलब बहुत ग्रैंड मेडिसिन है, कल्केरिया कार्ब का स्पीयर ऑफ एक्शन बहुत बड़ा है ना। पर वहीं ब्राइनिया का जो स्पीयर ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड है टुवर्ड द रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मेरे को कॉमन सेंस से और लक्षण भी मिलाऊंगा ना, मैं ऐसा थोड़ी लक्षण नहीं मिलाऊंगा, लक्षण भी मिलाऊंगा। तो उसके अंदर अगर मेरे को ब्राइनिया मिली और ब्राइनिया ने काम नहीं करा, तो इन माय थर्ड प्रिस्क्रिप्शन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू यूज कल्केरिया कार्ब रादर देन द ब्राइनिया, क्योंकि कल्केरिया कार्ब जो है वो नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री है। किसका? वो है नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री रस्टॉक्स का। कि आप देखिएगा रस्टॉक्स और कल्केरिया कार्ब जो है वो जनरली एक दूसरे के अंदर वो टर्न हो जाते हैं। वैसे ही जब अपन ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट करते हैं, हम जब भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कल्केरिया ग्रुप हेड ग्रुप होता है, इसके अंदर कल्केरिया कार्ब और कल्केरिया फॉस है ना। तो ये हमारा हेड ग्रुप कौन सा हो गया? कल्केरिया ग्रुप हो गया। और वहीं पे ट्यूबरकुलिनम जो मेडिसिन है वो उस केस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बन जाती है कल्केरिया कार्ब की, और जनरली ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के साथ
टर्न हो जाते हैं सिम्टम, टर्न हो जाते हैं मतलब कलकेरिया जब हम देंगे तो ट्यूबरकुलर के लक्षण आएंगे ट्यूबरकुलिनम के, तो हमको बीच बीच में ट्यूबरकुलिनम देना पड़ेगी और ट्यूबरकुलिनम को हमको फॉलो करना पड़ेगा कलकेरिया कार्ड से। अब एक और चीज मैं बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन द क्रॉनिक डिजीज। अब आप एक केस देखिए, आज का सिम्टम क्या आ रहा है, अब क्रॉनिक डिजीज के अंदर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आप यहां से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे इस एक एग्जांपल से। मैं मानता हूं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर देखिए अब मेडिसिन की बातें हैं, 5 मिनट में नहीं हो सकती। मेरे पास एक पेशेंट आया जो आज की तारीख में मुझे एक ही प्रॉब्लम बार बार बता रहा है कि बोले सर मेरे आलू खाता हूं मैं को इंडाइजेशन होता है, आलू से मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, कभी मेरे को आलू खाने से दस्त भी हो जाते हैं, कभी मेरे को आलू खाने से गैसेस बनती है, फ्लेचुलेंस बनता है। तो उसने मतलब मेरे पास सामने केस टेकिंग के ऊपर मतलब इससे आपको ये पता चलेगा कि देखो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हो सकता है कि आप किसी अलग आयाम में ही आप सोच रहे हो आज की तारीख में। तो मैं उसको आपको एक ग्राउंड लेवल पे बताता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री को किस तरह से अंडरस्टैंड अपन एक तरीके से और कर सकते हैं। तो उसने आलू आलू इतना आलू का गाना गाया मेरे सामने कि मैं मजबूर हो गया रिपर्टरी में जाके कि यार मैं आलू से ढूंढूंगा पहले मेडिसिन कि आलू साला कौन को परेशान करता है, कौन सी मेडिसिन, मेडिसिन है एल्यूमिना। अब मेरे को समझ में आ गया एल्यूमिना है। अब देखिए एल्यूमिना जब मेरे दिमाग में आएगी तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री उसकी ब्राइनिया है, तो मुझे उसकी प्रीवियस लाइफ में क्या कोई ब्राइनिया का सिम्टम मिल रहा है, मतलब हो सकता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में कुछ साल पहले उसको ब्राइनिया की एक जरूरत पड़ी हो पर वो किसी ने ब्राइनिया दी नहीं क्योंकि होम्योपैथ के पास गए नहीं, उनके जो भी वो सिम्टम थे वो सप्रेस कर दिए गए कोई भी होम्यो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करके, है ना। तो बॉडी को तो ब्राइनिया चाहिए थी, तो वो ब्राइनिया का जब फेस निकल जाता है तो फिर वो एल्यूमिना के फेस में पेशेंट को लाकर रख देती है कि भाई अब तुम अब अभी भी समझ सकते हो कि तुमको ये मेडिसिन देना है और ये जो है इन दोनों मेडिसिन का पेशेंट है। तो जब मैंने उस आदमी से उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली पिछले कुछ सालों की तो उसने मेरे को बताया, बोले बिल्कुल सही है सर, मैं 2 साल पहले मेरे को बहुत जमकर जॉइंटिस हुआ था और तब मेरे अंदर जो सिम्टम थे वो इक्टेरस था, पीलिया था, मेरा लीवर के ऊपर स्वेलिंग थी और मेरे को कॉन्स्टिपेशन था, मेरे को कई दिन तक मोशन नहीं होता था, ड्राइनेस ऑफ रेक्टम था और जो मोशन होता था वो ब्राउनिश कलर का होता था और वो सब चीजें। तो उसने जितने सिम्टम बताए तो ये मेरे को समझ में आ गया। तो यहां से कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को अतीत में ढूंढ के हम आज के प्रिस्क्रिप्शन को हेंस प्रूव या फिर हम उसको सत्यापन उसका कर सकते हैं कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। कहने का मतलब है कि वो 2 साल पहले जब इनको कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो ये थे ब्राइनिया के पेशेंट, तब ये हो गए थे अस्पताल में एडमिट, वहां पे कोई होम्योपैथी का व्यवस्था थी नहीं और ना इनने कभी सोचा उस बारे में। तो हुआ क्या, ब्राइनिया तब तो दी नहीं गई और सिम्टम्स को जो है पेलिएशन और शॉर्ट टर्म सपोर्टिव ट्रीटमेंट से अलाय कर दिया गया, पर बॉडी की जो भूख थी मेडिसिन की, सही मेडिसिन की भूख, वो उसको मिली नहीं। तो उसने क्या करा, इनको आज ला के पटक दिया एल्यूमिना के पिक्चर में, जिस वजह से इनको बार 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 पोटेटो से एग्रीवेशन हो रहा है। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि आप अच्छे से समझ गए कि मेरा पॉइंट क्या है, कि आज हमको हमारे केस में जो मेडिसिन मिली है उस मेडिसिन के रिलेशनशिप में हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पहले से दिमाग में होनी चाहिए या फिर ये जो हमको आज मेडिसिन मिली है ये किसकी कॉम्प्लीमेंट्री थी और क्या उस मेडिसिन के प्रीवियस लाइफ में पेशेंट के अंदर कुछ लक्षण रहे थे। तो इससे इस रिलेशनशिप को स्थापित करके अतीत में और फ्यूचर में हम ये बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जो कि था रिलेशनशिप ऑफ द मेडिसिन प्लस स्पेशली ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन के बारे में। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार।